हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे श्रम कानून क्या है, लेबर लॉ क्या है, पुराने लेबर लॉ को कुछ संशोधन किया गया है। तो देखते हैं कि पुराने लेबर लॉ क्या थे और नए लेबर लॉ क्या है। तो आइए हम इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं और इसी विषय पर चर्चाएं करेंगे और देखते हैं कि पुराने श्रम कानून में क्या था और नए श्रम कानून में क्या सब बदलाव हुआ है, ये कितने लेबर के लिए हितकारी है और कितने कंपनी मालिकों के लिए हितकारी है। तो आइए इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लेबर लॉ, श्रम कानून है क्या। तो फ्रेंड्स, 2005 में तीन कानूनों को मर्ज करके एक साथ बनाया गया, उसको हम श्रम कानून कहते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1919, डिस्प्यूट एक्ट 1947, लेबर एक्ट 1948, इन तीनों कानूनों को मिलाकर एक श्रम कानून बनाया गया था। क्योंकि ये समवर्तीय सूची में आता है, इसलिए इसको संशोधन करने का पावर सेंट्रल को भी रहता है और स्टेट को भी रहता है। तो इसमें समय समय पर, समय के अनुसार डिमांड पर संशोधन किया जाता है। तो फ्रेंड, देखते हैं कि पुराने लेबर लॉ में क्या था और जो उसका संशोधन करके नए लेबर लॉ को पारित जो किया गया है उसमें क्या है। तो सबसे पहला था उसमें बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होता था कि बॉन्डेड लेबर जो होते थे कि अगर कोई भी कंपनी मालिक किसी लेबर को हायर कर लिया तो उसके मर्जी के मुताबिक रहना पड़ता था, उसके इच्छा के अनुसार उसको सैलरी देना पड़ता था, वो जब तक चाहता था तब तक उसको उस कंपनी में रहना पड़ता था, जिससे कि लेबर को काफ़ी कंपनी मालिकों ने शोषण करते थे, उनकी हालत बहुत ही खराब ही दयनीय हो गई थी। इसलिए लेबर लॉ में उस चीज़ को, बॉन्डेड लेबर को हटा दिया गया है, नए लेबर लॉ में नहीं रखा गया है। दूसरा, कंपनसेशन पुराने लेबर लॉ में भी था और नए वाला में भी। क्योंकि कंपनसेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी मजदूर, कोई भी वर्कर हमारे किसी भी कंपनी में कार्य करता है, उसके साथ किसी तरह की घटना दुर्घटना साइट पर हो जाता है, वो मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे जो उस पर डिपेंडेंट परिवार है तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल ना हो, आसान हो जाए, इसके लिए कंपनी मालिकों से कुछ कंपनसेशन, कुछ राशि दिलवाया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जो भी डिपेंड व्यक्ति हैं, डिपेंड परिवार हैं, उनको कठिनाइयों की सामना ना करना पड़े। बिल्डिंग रूल्स पुराने में भी था और नए में भी रखा गया है। क्योंकि बिल्डिंग रूल्स नहीं रखने से हमारे मजदूर भाई जो होते हैं काफ़ी ऊंचाई पर कार्य करते हैं, काफ़ी रिस्की काम करते हैं, किसी तरह की अगर उनकी सावधानियां हट गई, दुर्घटना घट गई, तो उसके लिए बिल्डिंग रूल का पालन कहता था। जैसे कि ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, नीचे में नेट लगा देना, सेफ्टी शू देना, हेलमेट देना, या कभी गर्मी में काम कर रहे हैं तो हरा रंग का नेट होता है, आप लोगों को देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का नेट यूज किया जाता है, तो उसको यूज करना ताकि हमारे लेबर भाइयों को कठिनाई नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो वो पुराने लॉ में भी था और नए लॉ में भी बरकरार रखा गया है। सैलरी टाइमिंग यानी कि वेजेज एक्ट को पुराने लॉ में भी रखा गया था और नए कानून में भी रखा गया है। क्योंकि हर आदमी काम करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कि हम किसी लेबर को काम कराएं और 6 महीना बाद पैसा दें, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। इससे भी लेबर का हरासमेंट, क्योंकि लेबर को जब पैसा मिलेगा तभी वो मन दिल लगाकर काम करेगा। तो इसीलिए सरकार ने वेज एक्ट को पुराने वाला में भी रखा था और नए वाला में बरकरार रखा था। तो इसमें वेजेज एक्ट में था क्या कि किसी भी लेबर से हम 8 घंटे काम करा सकते हैं और 1 घंटे का लंच आवर देंगे, यानी कि टोटल ड्यूरेशन जो है हम 9 घंटे का वर्किंग कराएंगे और उसको हम 8 घंटे का पैसा देंगे। लेकिन अगर कभी कंपनी में या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर थोड़ा काम बच गया है, अगर उसको कंपनी मालिक या जो भी साइट सुपरवाइजर इंजीनियर है तो वो अगर रिक्वेस्ट करता है कि भाई 1 घंटा लगेगा इसको कर दो, तो उसको ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी। तो उसकी अगर शरीर कैपेबल है तो वो ड्यूटी लेबर बोले ठीक है मैं करूंगा, तो उसका क्या हुआ कि
दोगुना जुड़ता है, ओवर टाइम का पैसा जो है दोगुना देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी लेबर को हम 8 घंटे के 800 रुपया देते हैं तो पर घंटे हम 100 रुपया देते हैं, तो हम 1 घंटा उसको काम कराएंगे तो उसको 100 रुपया बना, लेकिन नहीं 100 रुपया नहीं, उसका दोगुना यानी कि 200 रुपया बनेगा, क्योंकि वो तो क्योंकि जो भी हमारे रूल रेगुलेशन के अनुसार वो अपने शरीर को डबल ये कर रहा है, इसलिए ओटी का पैसा हमेशा दोगुना बनता है। तो फ्रेंड्स, लेबर यूनियन का स्वतंत्रता, लेबर यूनियन का स्वतंत्रता, पुराने लेबर लॉ में लेबर यूनियन का स्वतंत्रता था तो उसको भी हटा दिया गया, नए कानून में उसको नहीं रखा गया, क्योंकि लेबर यूनियन का स्वतंत्रता इसलिए दिक्कत है कि अगर देखिए सोचना पड़ेगा दोनों पक्ष, लेबर को भी और कंपनी मालिक को भी, अगर लेबर है तो कंपनी है, कंपनी है तो लेबर है, एक दूसरे का पूरक है, अगर एक दूसरे में से कोई एक नहीं है तो ना मालिक रहेंगे ना लेबर रहेंगे। तो क्या है कि 100 लेबर की संख्या तो ज़्यादा होती है, लेबर अगर 100 की संख्या में है तो साले मालिक को तो पूरा कुचल देंगे, तो इसीलिए यूनियन को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि बार बार लेबर यूनियन बनाकर अपनी कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिमांड को लेकर कंपनी के कार्य को बाधित करते रहते थे, इसीलिए पुराने कानून में, पुराने श्रम कानून में लेबर लॉ था, नए श्रम कानून में लेबर यूनियन यूनियन लेबर यूनियन को हटा दिया गया है। तो दूसरा, वर्क डिस्प्यूट, वर्क डिस्प्यूट का मतलब होता है कि आप मान लीजिए किसी लेबर को या किसी इंप्लाई को हायर करते हैं कंस्ट्रक्शन पर काम करने के लिए, ईंटा पत्थर उठाने के लिए, और उससे लाकर अपना पैर दबवाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस पहले पुराने लॉ में था, लेकिन नए लॉ में, नए श्रम कानून में क्या है कि आप जिस चीज के लिए लेबर हायर कर रहे हैं, मजदूरों को हायर कर रहे हैं, वही काम कराना है आपको। अगर आप मजदूर को हायर कर रहे हैं घर बनाने के काम में और ले जाकर खेत में काम कराएंगे तो सरकार आप पर एक्शन लगे, आप सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए आप जो भी लेबर को जिस चीज के लिए हायर करें वही कार्य करवाएं। तो ये पुराने लॉ में था, लेकिन नए लेबर लॉ में इसको हटा दिया गया है। उसके बाद था, तो फ्रेंड्स, लेबर लॉ वही लागू होता है जहां 100 से अधिक लेबर किसी कंपनी या किसी कंपनी मालिक के पास कार्य करते हैं, यानी कि 10-20-50 में लेबर लॉ लागू नहीं होता है, तो लेबर लॉ वही लागू होता है जहां 100 से अधिक लेबर किसी साइट पर कार्य करते हैं या किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, तो लेबर लॉ वही लागू होता है। दूसरा, कि भारत में जो है मजदूर से संबंधित इतना जटिल कानून है ताकि कोई भी कंपनी जो है यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, यही कारण है कि कोई भी दूसरी देश की कंपनी जो है भारत में अपना लॉन्चिंग नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ का लेबर लॉ जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना जटिल है, क्योंकि जितने भी कानून है लगभग जितनी भी डिसीजन होती है वो लेबर के अगेंस्ट में होता है, तो कोई भी जो है कंपनी जो है जल्दी भारत में, इसलिए हमारी भारत का दुर्दशा खराब है। और यही आप चाइना में चले जाइए, चाइना में क्या है कि लेबर का कोई ये वैल्यू नहीं है, काम है तो रखेंगे, नहीं काम है तो नहीं रखेंगे, नहीं करना है लेबर को तुरंत हटा देंगे, कोई सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो देखिए आज हमारा चाइना जो है कितना बूम कर गया और हम लोग इंडियन जो है जहाँ है वही है। तो इसमें क्या किया कि यूपी सरकार ने 3 साल के लिए बहुत सारे रूल को चेंज कर दिया, और बहुत सारे रूल को चेंज कर दिया जिससे देखिए अभी इसका रिजल्ट मिल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।